हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्टेरियल फिब्रिलेशन। आर्टेरियल फिब्रिलेशन यानी कि हमारे हार्ट के जो हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट अबनॉर्मल होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और हम लोग कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग हार्ट की एनाटॉमी देखेंगे। एवरी वुमन को वन हार्ट है और हमारे हार्ट का जो शेप है ये कौन शेप है, और हमारा हार्ट मस्कुलर ऑर्गेन है, ओके। देन हमारे हार्ट के हम लोग साइज देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और हमारे हार्ट का हम लोग वेट देखेंगे तो वुमन का 225 ग्राम है और मेन का 310 ग्राम है। देन हमारा हार्ट थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, बोथ साइड में लंग्स है और लंग्स के बीच में हार्ट है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ओके। हमारे हार्ट को फोर चेम्बर्स यानी कि फोर पार्ट में डिवाइड किया है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट का जो राइट साइड पार्ट है, ये राइट साइड पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लूइश कलर का ब्लड, और जो लेफ्ट साइड का हार्ट है, ये लेफ्ट साइड का हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि रेड कलर का ब्लड। हमारा हार्ट क्या काम करता है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जाता है, और लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग्स में गैस एक्सचेंज होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि रेड कलर का ब्लड राइट साइड में आता है और आयोटा थ्रू हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। हमारे हार्ट को 3 लेयर्स है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो ये थी हार्ट की एनाटॉमी। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन क्या है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन यानी कि हमारे हार्ट के जो रिदम है, ये रिदम इनरेगुलर हो जाती है। हमारे हार्ट के जो हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट समटाइम बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, इस वजह से हमारे हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट इनरेगुलर हो जाते हैं, और इसको हम लोग अरेथमिया भी बोलते हैं। अरेथमिया ये एक मेडिकल वर्ड है, अरेथमिया यानी कि अबनॉर्मल हार्ट रेट। आर्टेरियल फिब्रिलेशन के जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण है, किसी किसी को दिखाई देते हैं, किसी किसी को नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों को आर्टेरियल फिब्रिलेशन है और आप लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि आर्टेरियल फिब्रिलेशन कभी कभी वन वीक में या मंथ में दिखाई देता है, बट हम लोग ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, ऐसा ही थोड़ा ब्रेथलेसनेस हुआ, बट अभी ठीक हुआ करके हम लोग समझ लेते हैं और इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। अगर आप लोगों को आर्टेरियल फिब्रिलेशन रहेगा और आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो आप लोगों को स्ट्रोक भी आ सकता है। स्ट्रोक क्यों आ सकता है, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट रहेगा और ये ब्लड क्लॉट हमारे ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन स्ट्रोक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ब्रेन स्ट्रोक यानी कि हम लोग लकवा भी बोलते हैं। देन हमारा हार्ट फेल भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो जाता है। इसमें फर्स्ट है एज। जिस पर्सन का एज अबव 65 ईयर्स रहेगा, उन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन होने का। ओल्ड एज में ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन क्यों होता है, क्योंकि नेचुरली हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारा हार्ट कहीं ना कहीं जो हार्ट की कैपेसिटी है काम करने की, ये थोड़ी कम हो जाती है। तो इस वजह से ओल्ड एज पर्सन को ज़्यादा रिस्क रहता है ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन होने का। देन सेकेंड है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि जिस पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, बीपी हाई रहेगा, वो पर्सन को ज़्यादा चांसेस रहता है आर्टेरियल फिब्रिलेशन होने का स्ट्रेन के वजह से। देन है जो लोग ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, उन लोगों को भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन होने का। देन जिस पर्सन को स्लीप अपनिया रहेगा, वो पर्सन को भी ज़्यादा रिस्क रहता है आर्टेरियल फिब्रिलेशन होने का। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म के वजह से भी आर्टेरियल फिब्रिलेशन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि हमारे फेफड़े में खून का थपका बन जाता है, और इसको हम लोग ब्लड क्लॉट भी बोलते हैं, और ये क्लॉट ब्लड वेसल्स थ्रू ट्रैवल्स करके हमारे हार्ट में भी आ सकता है। इस वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस में भी ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जिस पर्सन को हार्ट डिजीज रहेंगे, हार्ट फेलर रहेगा,
और कुछ भी हार्ट रिलेटेड डिसीज कंडीशन रहेगा वो पेशेंट को भी ज्यादा चांसेस रहता है ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन होने का। देन ये फैमिली हिस्ट्री यानी कि अगर आपके फैमिली में किसी को भी ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन की हिस्ट्री रहेगी तो हम लोगों को भी ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन अदर क्रोनिक कंडीशन यानी कि लाइक आप लोगों को डायबिटिक है या अस्थमा की हिस्ट्री है, थायराइड का प्रॉब्लम है या आप लोगों को ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी ज्यादा चांसेस रहता है ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन होने का। तो ये थे आर्टेरियल फिब्रिलेशन के कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। नॉर्मली आर्टेरियल फिब्रिलेशन के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं बट जो कॉमन सिम्टम्स है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन यानी कि हमारे जो हार्ट बीट है ये हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत हाई हो जाते हैं, कभी कभी बहुत लो हो जाते हैं। नॉर्मली हार्ट बीट कितना होना चाहिए तो 60-80 बीट पर मिनट, ये नॉर्मल है। और छोटे बच्चे के जो हार्ट बीट है ये हार्ट बीट ज़्यादा रहते हैं। आर्टेरियल फिब्रिलेशन के वजह से हम लोगों को चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है और ये लोग बहुत फटीक रहते हैं, थकान महसूस करते हैं, बहुत वीक रहते हैं। देन इन लोगों को चक्कर भी आती है, लाइट हेडेक भी होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द होता है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन के वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और जब भी हम लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं या कुछ काम करते हैं तो हम लोगों को ब्रेथलेसनेस होता है। तो ये थे आर्टेरियल फिब्रिलेशन के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन से भी लक्षण दिखाई देते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है। अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आप लोगों को स्ट्रोक आ सकता है। स्ट्रोक यानी कि जो क्लॉट है ये क्लॉट ट्रैवल्स करके हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन अटैक आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। हम लोग इसको लकवा भी बोलते हैं। हार्ट फेल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है और समटाइम्स सडन डेथ भी होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। फर्स्ट तो अगर आप लोग थोड़े स्टेबल रहेंगे तो डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट सब चेक करते, ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते, ECG, एक्सरे, थोड़ा इमरजेंसी है तो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते। ऑफकोर्सली हार्ट रिलेटेड है तो कार्डियोलॉजिस्ट ही इसका ट्रीटमेंट करता है। ओके, और इसमें क्या डॉक्टर एडवाइस करता है तो एंटीकोएगुलेशन मेडिसिन एडवाइस करते हैं, जो ब्लड थिनर टैबलेट है वो टैबलेट एडवाइस करते हैं। क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि आपके ब्लड में और कौन से भी पार्ट में ब्लड क्लॉट रहेगा तो वो क्लॉट रिमूव करने के लिए डॉक्टर एंटीकोएगुलेशन मेडिसिन एडवाइस करते हैं। एंड बेटा ब्लॉकर भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। आपके जो रिदम है, हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट इनरेगुलर है, अबनॉर्मल है तो डॉक्टर वो रिदम नॉर्मल करने के लिए सब मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अगर आप लोगों की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन रहेगी तो डॉक्टर सर्जरी भी एडवाइस करते। सर्जरी में स्पेस मेकर एडवाइस करते हैं। स्पेस मेकर एक मशीन है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। ये स्पेस मेकर क्या काम करता है? हमारे जो हार्ट बीट है ये हार्ट बीट अबनॉर्मल है, ये हार्ट बीट रेगुलर करने का काम ये स्पेस मेकर करता है। अगर हमारे हार्ट के जो टिश्यू है ये खराब रहेंगे, डैमेज रहेंगे तो डॉक्टर वो टिश्यू को रिमूव भी करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन से कैसे बचे। इसमें फर्स्ट है डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो वो अवॉइड करना है क्योंकि बाहर का फूड हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। बाहर का फूड नहीं खाना है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, टोबैको खाते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और मार्केट में जो ड्रग मिलता है वो ड्रग यूज करते हैं तो वो अवॉइड करना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप लोग डेली योगा कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से हमारा जो स्ट्रेस है, तनाव है, ये कम हो सकता है। डेली एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को अदर क्रोनिक कंडीशन रहेगा यानी कि डायबिटिक रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा, हार्ट रिलेटेड कुछ भी डिसीज कंडीशन रहेगा और डॉक्टर ने जो भी डाइट एडवाइस किया है या अदर मेडिसिन एडवाइस किए हैं तो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। तो ये था आज का टॉपिक आर्टेरियल फिब्रिलेशन। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगे तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक